देश में आज 15 से 18 आयु वर्ग का कोरोना टीकाकरण जारी है। देश के 38,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए केवल कोवैक्सीन का ही विकल्प मिलेगा। कोविन पर पहले से बने अकाउंट के जरिए खुद ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या अलग मोबाइल के नंबर के जरिए नया अकाउंट बनाकर पंजीकरण कर सकते हैं। लाभार्थी टीकाकरण स्थल पर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बेतिया नरकटियागढ़ समेत देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में नरकटियागढ़ के कन्या मध्य विद्यालय में काफी संख्या में किशोर पहुंचे हुए हैं और बहुत उत्साहित भी दिख रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वाले पहुंचे बच्चों का कहना है कि उन्होंने कल वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। साथ ही वार्ड संख्या 16 के पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि वैक्सीन के अलावा सतर्कता और जागरूकता रहने की भी आवश्यकता है। सभी को कोविड वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके। आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन पूरे देश में किया गया। हमारे नरकटियागंज नगर परिषद के पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आज कन्या मध्य विद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। बच्चे लोग बहुत उत्साह के साथ आए भी हुए हैं और वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के वैक्सीन सेंटर पर कोरोना का टीका लगाएं और देश को सुरक्षित रखें।